दोस्तों मैं हूँ ज़ीशान आज़मी, आप देख रहे हैं ज़ीशान आज़मी ब्लॉग। इस समय मैं खड़ा हूँ MHB कॉलोनी गायकवाड़ नगर। आइए आज मालवनी की जो सबसे पुरानी जगह है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे हमारे दोस्त सादिक शाह से। सादिक भाई, ये जो MHB कॉलोनी है, महाराष्ट्र हाउसिंग सोसाइटी, ये इसकी स्थापना कब से हुई, हमारे दर्शकों को बताओ। ये मालवनी की सबसे पुरानी जगह है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग और खैर मकदम जियानो कहता हूँ। ये जो गायकवाड़ नगर है, MHB कॉलोनी, ये बसा एक्चुअली 1968 में ये बन के तैयार हुआ माड़ा की तरफ से, और 1968 के बाद में यहाँ अलग अलग एरिया से लोगों को लाके बसाया गया है। खार से बसाया, पहले गोरेगांव से बसाया है, बांद्रा से लाके बसाया, ऐसे अलग अलग मुंबई के एरिया से जो स्लम एरिया है वहाँ से झोपड़े तोड़ के यहाँ लाके बसाया लोगों को। और इस कॉलोनी में अलग अलग है, जैसे रिपेयर बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड के कुछ रूम है, कलेक्टर्स के कुछ रूम है, पुलिस क्वार्टर्स के कुछ रूम है, और BMC के स्कूल है, और BMC के कुछ रूम्स है यहाँ। कितने रूम है बताइए? हाँ, यह एक्चुअली हाउसिंग बोर्ड के ना 1845 रूम है, और रिपेयर बोर्ड 376 है, पुलिस क्वार्टर्स 248 है, और BMC के 20 है, कलेक्टर के 20 है। यहाँ इस तरीके से यहाँ रूम टोटल 2500 रूम बसे हैं इस गायकवाड़ नगर में। और गायकवाड़ नगर का एरिया है 23.5 हेक्टर एरिया में बसा है गायकवाड़ नगर। दोस्तों जाम खड़े, ये गायकवाड़ नगर MHB कॉलोनी का मेन एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। ये बोर्ड है गायकवाड़ नगर सेवा संघ, जिसके अध्यक्ष है हमारे सादिक भाई। तो आइए अभी हम आपको MHB कॉलोनी का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जो गायकवाड़ नगर का बस डिपो है वहाँ पर मौजूद है। सादिक भाई के साथ हम ये सवाल करेंगे कि जो गायकवाड़ नगर के बारे में भी वो थोड़ी जानकारी दे, और जो यहाँ पर पहले किस तरह से बस चलती थी उसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे सादिक भाई से। तो आइए बात करते हैं हम सादिक भाई से। सादिक भाई, पहले यहाँ पर जो क्या डिपो था कि नहीं था, कैसा था डिपो, और यहाँ पर किस तरह की बस सुविधा थी, ये हमारे दोस्तों को बताइए। जिशन भाई, यहाँ ऐसे तो है ना, यह डिपो वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, खाली एक ही मेन रोड था, एक नंबर से लेके 8 नंबर तक हाउसिंग बोर्ड तक। और ये जो बिल्डिंग बसा है, देखो तो यहाँ बिल्डिंग दिख रहा है, यहाँ से ना खाली बस घूमती थी। और वो महाराष्ट्र मेडिकल है, वहाँ एक 273 बस का स्टॉप था, और एक ही बस मलाड़ से मालोनी चलती थी। पहले एक ही बस थी यहाँ? हाँ, एक ही मलाड़ से मालोनी एक ही बस चलती थी, उसका नंबर था 273। और इसका भाड़ा भी काफ़ी कम था, 7 नंबर तक 15 पैसा था, और 8 नंबर आ गए तो 20 पैसा उसका भाड़ा था मलाड़ से मालोनी। हाँ, यहाँ डबल डेकर भी यहाँ चलती थी, लेकिन डबल डेकर का फ्रीक्वेंसी बहुत कम था, क्यों, यहाँ से जब मालवनी से बस निकलती थी, वर्लम चर्च जो है वहाँ काफ़ी नैरो रोड था एकदम, और बस को तकलीफ़ होती थी, इसलिए कुछ दिनों बाद ना डबल डेकर बंद कर दिए, और सिंगल ही बस चलती थी, और वो भी मलाड़ से मालवनी। हाँ, उसके बाद में एक 207 चालू हुआ यहाँ से गायकवाड़ नगर से दहिसर तक, फिर उसके बाद में बस चालू हुआ 256, 241 घाट को, अपना मुलुंड 459, वडाला,
ऐसे आस्ते 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 ना अब काफ़ी बस की फ्रीक्वेंसी हो गई पूरे मुंबई के लिए। हम जिस जगह पे खड़े हैं पहले 273 यहाँ से गोल घूम के सीधा बाहर निकलती थी मेडिकल के पास, वहाँ बस स्टॉप था। आज यहाँ बस टर्मिनस बन गया है, बस टर्मिनस में अलग 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 जगह की बस यहाँ से निकलती है और आगे बस डिपो भी बन गया है। बस डिपो से निकल के टर्मिनस में आती है, फिर यहाँ से लोगों को लेके अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाती है। आइए हम आपको ले चलते हैं बस डिपो के पास और लोगों को यहाँ के लोग जनता को बताते हैं बस डिपो गायकवाड़ नगर का बस डिपो मालूनी। आइए हम चलते हैं गायकवाड़ नगर बस डिपो की ओर जिसका ओपनिंग उस समय के डिप्टी सीएम महाराष्ट्र छगन भुजबल जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये सामने डिपो गायकवाड़ नगर बस डिपो जहाँ से बस भी निकल रही है, देखो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों हमारे सादिक भाई ने आज आपको हमारे ब्लॉग पर MHB कॉलोनी के बारे में जानकारी दी और बस डिपो कब बना और पहले कौन सी बस चलती थी उसके बारे में जानकारी दी। इसी तरह हम आपको एक नए वीडियो के साथ एक नए जानकारी के साथ आपके सामने एक वीडियो पेश करेंगे। आप देखते रहिए ज़िशान आज़मी ब्लॉग। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये जानकारी आपको कैसे लगी। अगर आपके अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे आपको लगेगा कि ये वीडियो जो बन रहा है अच्छा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है मालवनी के बारे में, तो हम इनक्रेज होंगे और भी वीडियो और अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाएंगे। तो आज का वीडियो हम आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।